सभी भक्त अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आरती होगी। बोल भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति वेद ये पंचम ग्रंथ निराला, हर ज्योति जगाने। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को मनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, श्री राम यही घन श्याम यही। 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 प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान बोलिए। श्री धर्मधारी बाबा की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो जाएं। राधे 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 राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री धर्मधारी बाबा की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री
लसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज भवानी संकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्याम न पश्यन्ति सिद्धा स्वातः इष्टमीशम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः राधे मेरी स्वामनी और मेरा देखीदार जन्म जन्म मोहि दीजियो लाडली श्री वृंदावन को बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सभी लोग बड़े भाव और श्रद्धा के साथ संकीर्तन करते हुए भगवान की पावन में चर्चा में प्रवेश राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे
संकीर्तन किया जाता है अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, क्योंकि कथा को श्रवण करने से पहले हमारे मन और वाणी का पवित्र होना अति आवश्यक है, इसलिए सबको बोलना भी है। श्री राधे 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 गोविंद राधे राधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा सत शत नमन वंदन अभिनंदन। भगवान की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत कथा के चरणों में मेरा सत शत नमन वंदन अभिनंदन। भगवान श्री राम मैया जानकी उनके परम लाडले भक्त श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा सत शत नमन वंदन अभिनंदन। स्थान पर निवास कर रहे यहाँ की लता पताओं में निवास कर रहे एवं 33 कोटि देवी देवताओं को मेरा सत शत नमन वंदन अभिनंदन। समस्त संत समाज ब्राह्मण समाज ऋषिक समाज सभी के चरणों में मेरा सत शत नमन वंदन अभिनंदन। संगीत पर साथ दे रहे सभी सहयोगी भाइयों को मेरा सत शत नमन वंदन अभिनंदन। कथा प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। भगवान की असीम अनुकंपा से भक्तों के प्रयास से आपके इस गांव कंथरी की पावन में धराधाम पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। आज इस कथा का द्वितीय दिवस यानी जीवन का द्वितीय दिवस, जीवन का दूसरा दिन, क्योंकि कथा 7 दिन की ही क्यों होती है? कथा 7 दिन की इसलिए होती है क्योंकि इस मनुष्य का जीवन ही मात्र 7 दिनों का है। 7वें दिन के अलावा कोई 8वां दिन नहीं होता। तो
उस मनुष्य का जीवन मात्र 7 दिनों का है। और देखिए, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में यह मान लिया कि मेरे पास मात्र 7 दिनों का ही समय है, उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है। लेकिन जिस व्यक्ति को लगता है मेरे पास तो बरसों का समय है, उस व्यक्ति का जीवन निरर्थक हो जाता है, क्योंकि समय तो समय के पास भी नहीं है। और संसार में समय से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, कि आजकल समय की महत्वपूर्णता को हम नहीं समझ पाते कि समय कितना महत्वपूर्ण है। और देखिए, कहा भी जाता है कि समय रहते जो व्यक्ति संभल जाता है वो संभल जाता है, वरना समय फिर सबको संभालना जानता है। वक्त रहते संभलना बहुत आवश्यक है, वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि जब तुम समय को बर्बाद करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब समय तुम्हें बर्बाद करने पर आएगा तो तुम उसके फेर से बच नहीं पाओगे, क्योंकि समय से बड़ा बलवान इस संसार में और दूसरा नहीं। समय सर्वशक्तिमान है, सारे खेल समय के हैं। लेकिन हमें और आपको एक भ्रम सारे जीवन रहता है कि हमारे पास बहुत समय है। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि आप जीवन में कितना भजन करते हैं, वृद्ध व्यक्ति को छोड़कर, जिस पर बुढ़ापा है उसे छोड़कर, वो व्यक्ति कहेगा अरे अभी कौन सी आयु है भजन करने की, भजन तो बुढ़ापे में करेंगे, अरे स्टाम्प पेपर पर साइन करके तो नहीं भेजा भगवान ने कि बुढ़ापा आएगा ही आएगा, अगर बुढ़ापे से पहले ही जाना पड़ा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या बुढ़ापा आना हर व्यक्ति पर निश्चित है? बालक 10 वर्ष का होकर भी भगवान को प्राप्त हो सकता है, 20 वर्ष का भी भगवान को प्राप्त हो जाए। और देखिए, जब एक बालक पैदा होता है तो क्या आप कह सकते हैं कि वो बालक बड़ा होगा? इसमें संदेह है या नहीं है कि वो बालक बड़ा होगा या नहीं? दूसरी बात, जब बालक बड़ा हो जाता है तो सांसारिक कार्य करेगा या नहीं, इसमें संदेह है या नहीं? हर चीज में संदेह है। लेकिन उस बालक की मृत्यु होगी इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पता नहीं कि कब अंत समय आ जाए। और जो लोग दुखी रहते हैं उनको खुश रहने का सबसे बड़ा एक तरीका, आप अपने जीवन के हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो दिन आपका आखिरी दिन है। और जब इस प्रकार से आप अपने जीवन के हर दिन को जिएंगे तो विश्वास कीजिए कि सारा जीवन आनंदमय बन जाएगा। हमें समझ तो आता है लेकिन बहुत देर से आता है, और देर से जब समझ में आता है तो केवल पछतावा होता है। और देखिए, जो भी कार्य करना हो वो हमेशा समय पर करें, बाद में पछतावा करने से कुछ नहीं होता। आप कुछ गलत काम कर दीजिए फिर बाद में पछतावा कीजिए, क्या उस पछतावा करने से वो कार्य सही हो सकता है? या आप समय बर्बाद कर दीजिए, कोई बालक मान लीजिए 10वीं कक्षा में पढ़ाई करता है, 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, उसकी बोर्ड की परीक्षा आती है, वो बालक सारी साल पढ़ाई नहीं करता और जब 10 की परीक्षा आती है बोर्ड की परीक्षा में बैठता है, और जब बोर्ड की परीक्षा में बैठा है पेपर जैसे ही सामने आया, अब वो बालक पेपर करने की जगह पछतावा कर रहा है। पछतावा क्या? काश मैंने पढ़ाई की होती। तो वो पछतावा कर
कर जरूर रहा है, लेकिन क्या उस पछतावा करने से उसका पेपर अच्छा हो जाएगा? तो इसी प्रकार से ये हमारा जीवन भी एक परीक्षा है, और जब इस जीवन की परीक्षा आती है तो हम पछताते हैं कि हमने कुछ किया क्यों नहीं, लेकिन तब पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए आवश्यक यह है कि आप समय रहते ही समझ जाएं। और कहा भी गया है कि जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तो जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन निकल गया। घर से चला मुसाफिर बड़ी दूर इसको जाना, घर से चला मुसाफिर बड़ी दूर इसको जाना, गाड़ी निकल गई तो वापस भी रंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। और उसके पश्चात तन की मशीनरी में आ गई है जंग, तन की मशीनरी ने बंद किया काम करना, तन के हर पुर्जे में, तन के हर पुर्जे में जंग आ गई तो इसके समझ में आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया। तब जीवन व्यतीत हो जाता है, तब हमें जीने का ढंग आ पाता है, लेकिन जब जीवन निकल ही गया उसके पश्चात जीने का ढंग आया तो उस ढंग का कोई तात्पर्य नहीं है, उस ढंग का कोई मतलब नहीं है। और देखिए जीवन की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हुआ करती है। कोई जीवन को कुछ समझता है, कोई जीवन को कुछ समझता है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और संत के पास जाकर प्रश्न करता है कि आप तो संत हैं और मैंने सुना है कि संतों के पास हर मर्ज की दवा होती है, हर प्रश्न का उत्तर होता है, आप मुझे ये बताइए ये जीवन क्या है, इस जीवन का मोल क्या है। उस संत उस व्यक्ति से कहते हैं मैं तेरे इस प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, लेकिन तू ऐसा कर, सबसे पहले मेरे पास एक चमकीला पत्थर पड़ा है, उस पत्थर को बाजार ले जा और जा करके इसकी कीमत पता करके आ। वो व्यक्ति कहता है इसे बेचना है क्या? संत कहते हैं नहीं नहीं, बेचना नहीं है, केवल कीमत पता करनी है, किसकी कीमत क्या है। वो चमकीला पत्थर दे करके वो संत उस व्यक्ति को बाजार भेजते हैं। वो बाजार जाता है, बाजार जाकर सबसे पहले एक
सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचता है। सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचा, सब्जी वाले से कहा, भैया इस पत्थर को तुम किस भाव में लोगे, कितने पैसे दोगे इसके? वो सब्जी वाला कहे, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत सब्जियां मैं तुम्हें दे दूंगा बदले में, और इस पत्थर को मुझे दे दो। वहां से वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, बस भाव करना था, बेचना नहीं है। आगे बढ़ता है, एक लोहार की दुकान पर जाता है, लोहार से पूछता है, भैया तुम इस पत्थर को कैसे लोगे? वो लोहार कहता है, तुम्हें कोई एक वस्तु लोहे की दे दूंगा, अगर देना हो तो बताओ। वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, देना नहीं है। तीसरी दुकान पर जाता है, जो व्यक्ति चांदी के आभूषण बनाता है, चांदी की दुकान करता है, उसकी दुकान पर उससे कहा, तुम इस पत्थर की क्या कीमत दोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें इसके बदले में चांदी की एक कटोरी और एक चम्मच दूंगा, अगर देना है तो बताओ। वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, बेचना नहीं है, मैं तो बस तुमसे भाव कर रहा था। व्यक्ति आगे बढ़ता है, सुनार के पास जाता है, सुनार से वही प्रश्न करता है कि तुम इस पत्थर को कितने धन में लोगे, कितना भाव लगाओगे? वो व्यक्ति सुनार है, वो कहता है, मैं तुम्हें सोने का एक आभूषण दूंगा इस पत्थर के बदले। वो व्यक्ति कहता है, बेचना नहीं है, बस भाव करना था। वहां से भी आगे बढ़ता है, और जब सारे बाजार को पार करके आगे बढ़ता है तो अंतिम में एक जौहरी की दुकान है, और उस जौहरी की दुकान पर जब पहुंचता है, उस जौहरी से वो व्यक्ति कहता है कि तुम इस पत्थर की क्या कीमत दोगे? जौहरी उस पत्थर को देखता है, वो पहचान जाता है कि ये तो हीरा है, और अनमोल हीरा है। वो कहता है, तुम मेरा सब कुछ ले जाओ, पर से हीरे को मुझे दे दो। व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे एक संत ने इसका भाव करने के लिए भेजा था, मुझे केवल भाव करना है, इसे देना नहीं है। वहां से वो व्यक्ति उस पत्थर को वापस लेकर संत के पास आता है, लेकिन उसकी समझ में अब तक कुछ नहीं आया, और जब समझ में कुछ नहीं आया, संत के पास आकर कहता है, अरे इतनी अच्छी इसकी कीमत लग गई, सब्जी वाला कुछ सब्जी दे रहा था, सुनार कुछ आभूषण दे रहा था, और एक व्यक्ति तो ऐसा पागल हो गया इस पत्थर को देखकर कि अपना सब कुछ देने लगा, फिर भी आपने इसे बेचने से मना क्यों किया था? मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तो वो संत कहते हैं कि तूने मुझसे प्रश्न किया था ना कि ये जीवन क्या है, तो तेरे उसी प्रश्न का उत्तर है, ये जीवन सबके लिए एक अलग प्रकार की वस्तु है। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर व्यक्ति के लिए जीवन का मतलब, जीवन का मोल अलग है। कुछ लोग केवल इसे खाने पीने में निकाल देते हैं, कुछ लोग केवल आभूषणों में निकाल देते हैं, लेकिन जो असली जौहरी होता है वो पहचान लेता है कि अनमोल हीरा है, ये जीवन बड़ा अनमोल है। उसी प्रकार से, और इस जीवन की परख एक संत को ही हो सकती है। संत मात्र पीले वस्त्रों से नहीं, जिसने भगवान को जान लिया वो संत है, जिसने अपने अंदर सबके लिए अच्छी भावना रखी वो संत है, लेकिन हम इस जीवन का मोल नहीं जान पाते।
हर किसी के लिए जीवन का मोल भिन्न है, अलग है। और देखिए ये जो हमारा जीवन है ना महाराज, ये 3 पेजों की एक डायरी है। अब आप कहेंगे कैसे, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 3 पेजों की डायरी है और 3 पेज की डायरी में 2 पेज भगवान ने रचित किए हैं, एक आगे का और सबसे अंतिम पीछे का। 2 पेजों की डायरी भगवान ने खुद लिखी है और एक जो बीच की पेज की डायरी बाकी रहती है, जो बीच का पेज बाकी रहता है, वो हम और आप खुद लिखते हैं। अब आप ये समझिए कि पहला पेज ही अंतिम पेज क्या है। पहला पेज व्यक्ति का जन्म, जन्म भगवान ने रचित किया है, जन्म भगवान ने निर्धारित किया है। जब भगवान चाहेंगे तब ही जन्म होगा, मनुष्य की मर्जी से उसका जन्म नहीं हो सकता। तो पहला पन्ना भी भगवान ने रचित किया है और सबसे अंतिम उसमें आती है मृत्यु, मृत्यु भी भगवान निश्चित करते हैं। लेकिन इस जीवन और मृत्यु दोनों के बीच का जो एक पन्ना बचता है वही है जीवन, और वो जीवन हम खुद रचित करते हैं कि उस जीवन में हमने क्या क्या किया। और हमने कर्म कैसे किए, हमने कार्य कैसे किए। देखिए आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की ही हो, उसकी आयु 20 वर्ष की हो लेकिन वो 20 वर्ष में ऐसे कार्य कर जाए कि लोग उसके जाने के बाद 100 वर्षों तक उसे याद करें, उस व्यक्ति का जीवन जीवन है। इस संसार में आप हम सब हैं, उसकी सच्चाई क्या है, इसे हम अपना अपना कहते हैं। कहा जाता है कि कौन कहां तक साथ देगा ये बताया गया, पत्नी मकान तक, पुत्र अग्निदान तक। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी को उसके घर से बाहर नहीं जाने देते, वो केवल घर के दरवाजे तक ही अपने पति का साथ दे सकती है। तो पत्नी मकान तक और पुत्र अग्निदान तक। पुत्र केवल पिता की चिता को अग्नि ही देता है। और ये जो समाज है, जिस समाज में व्यक्ति बैठता है, सारा जीवन गुजारता है, उस समाज शमशान तक, पत्नी मकान तक, पुत्र अग्नि दान तक और समाज शमशान तक। लेकिन जो अंतिम तक हमारा साथ देते हैं, आपके कर्म, आपके पुण्य, आपका भजन, ये सब साथ जाएगा भगवान तक। तो इसलिए हमें वो करना है जो भगवान तक साथ जाए, संसार में जो रह जाएगा उसे नहीं करना। लेकिन हमें जब तक ये पता पड़ता है तब तक हमारा जीवन समाप्त हो चुका होता है। और इसलिए कहा भी गया है, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। व्यक्ति जब उसका अंतिम समय आता है तब तक उससे यही बात कही जाती है कि तू उठ तो सही, जाग तो सही, क्योंकि जब जागो तब सवेरा, लेकिन जागो तो सही। लेकिन व्यक्ति जागता नहीं कि उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, और देखिए व्यक्ति जागता कब है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और सब उसके साथ शमशान तक जाते हैं। उस शमशान में जब उस व्यक्ति की चिता जल रही होती है तो सबके मन में विचार आता है ना, अरे क्या संसार है,
एक पल का पता नहीं है। सब छोड़ो, सब मोहमाया है, ऐसा विचार आता है ना। लेकिन जब तक जागते हैं, अभी तो जगाया तुझे, वो व्यक्ति जागता है, लेकिन कुछ समय पश्चात जैसे ही उस व्यक्ति की शमशान से उसकी चिता को आग देकर वापस आता है, स्नान आदि करके अपने घर में प्रवेश करता है, फिर सो गया। वैसे ही फिर आता है, फिर वो भूल जाता है कि सब मोह माया है, कोई किसी का नहीं है, फिर उसे याद नहीं रहता, वो फिर आकर सो जाता है। और ये कथाएं, ये भागवत, ये किस लिए कराई जाती है? ताकि व्यक्ति जागृत हो। संसार में कार्य करना बहुत आवश्यक है, लेकिन उतना ही आवश्यक भगवान में श्रद्धा, विश्वास, भजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इन सब साधनों में, इस सब संसार में रहकर हमारा कल्याण करती है ये हरि की कथा। लेकिन आजकल तो महाराज, अगर हकीकत बात बताई जाए, आप सभी ने भी देखा होगा, यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, और देखिए आजकल जो कथाएं होती हैं उनमें हमारे बुजुर्गों का मन नहीं लगता। अब मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो कथा सुनते हैं लेकिन उन्हें कथा मिलती नहीं है, तो मन क्या लगेगा? बुजुर्गों को केवल कथा सुनना अच्छा लगता है, लेकिन आज की हमारी युवा पीढ़ी को मनोरंजन चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मैं मनोरंजन की विरोधक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मनोरंजन होना चाहिए, नृत्य होना चाहिए, लेकिन कथा को मनोरंजन ही मान लेना कि बात गलत है। और जो ऐसा करते हैं वो व्यक्ति पाप के भागीदार बनते हैं। कथा को कथा की तरह सुनिए, और मुझे आशा है कि यहाँ के सभी भक्तगण कथा को कथा की तरह ही सुनेंगे। जब तक व्यक्ति का अंत समय आता है, उसे जगाते जगाते भगवान ने ये कथाएं क्यों बनाई, ये कहानियां, और देखिए कहानियां आप आज तक सुनते आ रहे हैं। आवश्यक ये नहीं है कि आपने कहानी कितनी सुनी और कहानी किस लिए कही जाती है। हम भगवान ने कहानियां बनाई, पात्र बनाए, हम वो सुनते हैं, लेकिन उन कहानियों को सुनकर हम उस कहानी में तो उलझकर रह जाते हैं, लेकिन उस कहानी को क्यों बनाया गया, उस कहानी का सार क्या है, वही भूल जाते हैं। तो कोई पता नहीं है कि कब अंतिम समय आ जाए। तो कहा गया है कि उठ परदेसी, तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी, तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी, तेरा वक्त हो गया, हो गया। उठ परदेसी, तेरा वक्त हो गया।
सभी लोग बैठे हुए ऊपर को हाथ रख के ताली से अदा करते हुए बंदे
नाते तेरे यहीं रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, 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 हीरे और मोती क्षेत्र में विराजमान श्री सूर्य जी 88,000 ऋषि जनों को कथा श्रवण कराते हैं। श्री सूर्य जी समझाते हैं, हे ऋषियों, अब तक आपने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को श्रवण किया, महात्म्य को श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से क्या होता है, ये कथा हमें क्यों सुननी चाहिए। इन सभी बातों का विवेचन महात्म्य में हुआ। अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाने से पहले श्री सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं। अब जब सुखदेव जी की बात आती है तो अब तक ऋषि जनों ने पहले कभी सुखदेव जी का नाम नहीं सुना, वो पूछते हैं ये सुखदेव कौन है, इनके जीवन की कथा हमें विस्तृत रूप से सुनाई। तो श्री सूत जी 88,000 संत जनों को समझाते हैं कि एक बार गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में एक तोता क्रीड़ा किया करता था। हर समय राधा राधा कृष्ण कृष्ण, राधा राधा कृष्ण कृष्ण कहता। राधे रानी ने कहा, बेटा तुम ऐसा करो कि सांसारिक जो व्यक्ति है वो भगवान का नाम नहीं लेते, उनकी कथा को नहीं जानते, तो तुम ऐसा करो कि जाओ और भगवान के नाम का प्रचार करो। सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे तो नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? अरे संसार में जाते ही माया मुझे पकड़ लेगी। राधा रानी आशीर्वाद देती है, देखिए हमारी एक जो कमेटी वाले भैया है, इन सभी बच्चों को शांत करा दे, शांति बनाए रखे सभी लोग। राधा रानी आशीर्वाद देती हैं कि तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा। आशीर्वाद देकर सुखदेव जी इस धराधाम पर आने के लिए राजी हो जाते हैं। और जब इस धराधाम पर आने के लिए मान जाते हैं तो अब इधर एक बार ब्रह्मा जी की सभा आयोजित होती है। ब्रह्मा जी की सभा में एक बात सामने आती है, एक प्रश्न आता है कि संसार में सबसे अमूल्य क्या है, ऐसा क्या है जिसका कोई मोल नहीं है। तो उसका उत्तर आता है कि प्रेम, प्रेम संसार में सबसे ज्यादा अमूल्य है।
लेकिन आजकल तो कोई किसी को सच्चा प्रेम नहीं करता। वैसे संसार में सबसे ज्यादा अमूल्य है प्रेम। तो बाबा नारद कहते हैं कि अवश्य ही ये प्रेम हमारे भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी में ज्यादा होगा। तो यहां पर कहा जाता है कि विष्णु भगवान तो आदि आदि रात में अपने भक्तों को बचाने के लिए चले जाते हैं, और लक्ष्मी जी को अकेला छोड़कर अगर प्रेम होता तो उन्हें भी साथ में लेकर जाते, तो वहां तो प्रेम नहीं है। ब्रह्मा और ब्रह्माड़ी उनमें आए दिन झगड़े होते रहते हैं। और दूसरी बात कि ब्रह्मा जी विधाता हैं, सृष्टि का कार्य करते हैं, तो वो व्यस्त रहते हैं। जब वो व्यस्त रहते हैं तो ब्रह्माड़ी के लिए समय नहीं है, और जब समय ही नहीं है तो प्रेम कहां से होगा। तो यहां दो जगह तो बिल्कुल प्रेम नहीं है। अब तीसरी जगह है भगवान शिव और मैया पार्वती। कहा जाता है कि भगवान शिव सदैव ही मैया पार्वती के पास रहते हैं, और भगवान शिव और मैया पार्वती में बड़ा ही प्रेम है, ऐसा कहा जाता है। नारद जी कहते हैं हम कैसे मान लें। सब कहते हैं कि अगर आप पार्वती और शिव जी में झगड़ा करा दें तो हम ये बात मान लेंगे कि उनमें भी प्रेम नहीं है। आज तक उनमें कोई झगड़ा नहीं करा पाया। और देखिए आजकल की संसार में अगर देखा जाए, भगवान की बात छोड़िए, हम अपने जीवन पर आते हैं, अगर हमारा जीवन, हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में अक्सर लड़ाइयां दूसरों की वजह से होती हैं, झगड़े दूसरों की वजह से होते हैं, और जिन रिश्तों में झगड़े दूसरों की वजह से होते हैं वो रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं टिकते। रिश्तों में झगड़े कभी दूसरों की वजह से नहीं होने चाहिए। रिश्तों को इतना मजबूत बनाकर रखो कि कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके रिश्तों में फूट ना डाल पाए। तो यहां पर भगवान शिव और मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते हैं। बाबा नारद कैलाश पर्वत पर आते हैं और आ करके मैया पार्वती से मिलते हैं। मैया पार्वती से जब मिलते हैं, मैया पार्वती आसन डालकर बिठाती हैं, और देखिए नारद जी से मैया पार्वती के दो रिश्ते हैं महाराज। पहला रिश्ता गुरु और शिष्य का, दूसरा पुत्र और माता का। जब मैया पार्वती का प्राकट्य हुआ तब नारद जी उनका नामकरण संस्कार करने गए तो वो उनके गुरु हो गए। और दूसरा रिश्ता कि भगवान शिव जगत के पिता हैं, उनके लिए जब मैया पार्वती का विवाह हो गया तो अब वो जगत की माता बन गई। तो इस प्रकार से नारद जी का रिश्ता पार्वती से माता और पुत्र का भी हो गया, दो रिश्ते हैं। नारद जी को सम्मान पूर्वक बिठा लेते हैं, और जब बिठा लिया पूछती हैं आजकल कहीं आते जाते क्यों नहीं हो। अब देखिए भगवान शिव और मैया पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर रहते हैं, इनका कोई महल नहीं है। बाकी सब देवी देवताओं के महल हैं लेकिन इनका कोई महल नहीं है। इनका महल था लेकिन वो दान में दे दिया गया। क्या आप में से पता है कौन से महल की बात कर रही हूं मैं? तो एक बार मैया पार्वती जब सभी देवियों से मिलती है तो उन्हें भी लगता है कि मेरा भी महल होना चाहिए, तो भगवान से हट करने लगती है महल के लिए और कहती है मैया मैया भगवान शिव से महल के हट करके कहती है कि मुझे नया महल चाहिए। और मैया ने कहा कि पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, और ऐसा महल बना देना और कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई। पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से,
होता है करना, उनमें से एक है अपना खुद का घर बनाना, वो भी अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहते हैं। किस दिशा में मंदिर होना चाहिए, किस दिशा में रसोई घर होना चाहिए, किस दिशा में कमरे होने चाहिए, कैसे बनने चाहिए, घर का नक्शा कैसा होना चाहिए, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। तो मैया भी भगवान से महल बनाने के लिए कह रही है, और आपको भी साथ ही साथ कहना है, मैया की हद तो पूरी करेंगे ही करेंगे, क्या पता साथ ही साथ हमारी सुन ले, हमारी भी हद पूरी हो जाए। तो उठा के दोनों हाथ तालियां बजा के करना है, लेकिन आपका मन स्थिर नहीं है, आपके मन में धीरज नहीं है। बाबा कहते हैं पार्वती से बोले बोले तेरे मन में धीर नहीं, बोले बोले तेरे मन में धीर नहीं, पार्वती से बोले बोले तेरे मन में धीर नहीं, पार्वती से बोले बोले तेरे मन में धीर नहीं, बिना इजाजत कोई ना आवे, बिना इजाजत
देखिए संसार में तीन हटे बड़ी विचित्र बताई गई है महाराज। पहली बाल हट, बच्चा अगर कोई हट कर जाए, आप कहीं बच्चे को मेले में लेकर जाना और बच्चे को अगर कोई खिलौना पसंद आ गया और मम्मी पापा से कहा मुझे ये खिलौना चाहिए, नहीं दिलाया, अरे बेटा आगे ले लेना फिर कभी ले लेना। बच्चा चाहे उस मेले की सारी धूल अपने तन पर लगा लेगा, सारे मेले में लेटता फिरेगा, लेकिन मानेगा तभी जब वो खिलौना उसे मिल जाएगा। ये बच्चों की हट बाल हट हुआ करती है। और दूसरी राज हट, अगर कोई राजा हट कर जाए कि मुझे दूसरे राज्य पर आक्रमण करना है, उसका खुद का राज्य पूरा नष्ट हो जाए, उसकी सारी प्रजा मर जाए, लेकिन वो दूसरे राज्य पर आक्रमण जरूर करेगा, ये राज हट होती है। और तीसरी और सबसे विचित्र हट होती है क्रिया हट, अगर हमारी मैयाएं हट कर जाए। अब देखिए कई बार ऐसा होता है मैयाएं भागवत सुनने आती हैं, भागवत में किसी की अच्छी सी साड़ी देखी, घर पर जाकर अपने पति देव से कहे, अरे सुनते हो? बोले क्या? अरे अरे हमने भागवत में देखा था कि छोटू की मम्मी बड़ी ही सुंदर साड़ी पहनी थी, हमको भी वैसी साड़ी दिला दीजिए। अब वो कहेंगे अरे अभी रुपए नहीं है, बाद में दिला देंगे, रूठ कर बैठ जाएंगे, कहेंगी भागवत अभी हो रही है, अब बाद में साड़ी लेकर हम करेंगे क्या? अरे हम तो बोल कर आए हैं कि हम भी ऐसी लेंगे, अगर साड़ी अभी नहीं ली तो बेइज्जती हो जाएगी। और माताओं की एक खास बात, जब भी ये गुस्सा हो जाए तो फिर इनसे आप पूछना क्या गुस्सा हो? बोले बिल्कुल नहीं, हम क्यों गुस्सा होंगे? ये माताओं की सबसे बड़ी पहचान है गुस्से की, कि जब वो गुस्सा होंगी तो कभी भी ये नहीं कहेंगी कि हम गुस्सा हैं, हमेशा कहेंगी अरे हम क्यों गुस्सा हैं, हम किससे गुस्सा हैं, हम क्यों गुस्सा होंगे, हमारा है क्या? और जब ऐसे बात करे तो समझ लेना कि गुस्सा सर से ऊपर निकल चुका है। तीसरी हट स्त्रियों की, स्त्रियों की हमारी माताओं की हट बड़ी विचित्र होती है। हाँ मैया पार्वती भी स्त्री हैं, वो भी हट कर रही हैं, और जब हट कर रही हैं तब बाबा उनकी हट के आगे हार जाते हैं, और जब उनकी हट के आगे हार जाते हैं पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए, जिद के आगे भोले बाबा हार गए, पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए, पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार भए, विश्वकर्मा को भगवान शिव ने आदेश दे दिया कि हमारी पार्वती के लिए नया महल बनवा दो। अब तो मैया खुशी से बड़ी नाचने लगती है, बड़ी प्रसन्न है, और अब सभी देवी देवताओं पर महल थे, उनका महल बन रहा है। तब पार्वती लक्ष्मी से बोली, पार्वती लक्ष्मी से बोली, गृह प्रवेश में आ जाना, कोई भी देखे तो बोले करने पंडित जी को बुलाया जाता है। सभी पंडितों को बुलाया गया, गृह प्रवेश करने की खातिर पंडित को बुलवाया था, गृह प्रवेश करने की खातिर पंडित को बुलवाया था, पंडित को बुलवाया था। विष्णु
तरह प्रवेश होता है, लेकिन अंतिम में मैया कहती है सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना। हट पूरी हो गई, सुंदर सोने का महल बना और सोने के महल को दान में दे दिया। अब उनकी हट तो पूरी हो गई, लेकिन अब हमें थोड़ी सी प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारा घर ऐसा बनवा दो कि जब हमारे घर के सामने से कोई निकल कर जाए तो कहे क्या कहना भाई क्या कहना। तो अब कौन कौन चाहता है कि आपका घर इतना सुंदर हो कि जो भी निकल कर जाए कहे अरे वाह इतना सुंदर घर है, जिसे भी ऐसा कहलवाना है, जो भी ऐसा चाहता है हाथ उठा लो दोनों ऊपर को, जो चाहता है वही उठाना और जो नहीं चाहता उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हो पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, ऐसा महल बना देना, और हाथ जाकर कहेंगे अरे कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या। शिव शंकर भगवान की, तो भगवान ने मैया की हट पूरी की, यहाँ पर महल बनवाया वो भी दान में दे दिया। तो भगवान शिव और मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, नारद जी आते हैं, नारद जी को बिठा लिया मैया पार्वती ने, अब पूछती हैं बाबा कैसे आना हुआ, आजकल तो आप कहीं आते जाते नहीं है, क्या बात है। तो बाबा नारद कहते हैं कि आजकल संसार बड़ा मतलबी हो गया है, और संसार जब मतलबी हो गया है तो हमारा कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि जिस स्थान पर मतलब हो उस स्थान पर हम जाते नहीं हैं। मैया कहती है कैसे, तो बाबा कहते हैं कि सुर नरमो ने सबकी या हरीति स्वार्थ लागे करहे सब प्रीति। हर किसी व्यक्ति की ऐसी रीति बन गई है कि वो स्वार्थ के लिए व्यक्ति से प्रेम करता है, कोई किसी से निस्वार्थ प्रेम नहीं करता, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। अब मैया पार्वती कहती है वो बात तो ठीक है, संसार बड़ा मतलबी है, लेकिन अब आपको क्या बताएं, हमारे भगवान शिव तो हमें बड़ा प्रेम करते हैं और वो भी निस्वार्थ करते हैं, आज तक कोई बात नहीं छुपाते। अब नारद जी विचार करें अच्छा ऐसी बात है क्या, बोले हाँ बिल्कुल। मैया पार्वती जब अपने भगवान शिव की अपने रिश्ते की बड़ाई करने लगती है तो बाबा नारद कहते हैं मैया भगवान शिव से हमें एक प्रश्न करना चाहते हैं, लेकिन आज तक डर की वजह से कर नहीं पाए, क्योंकि अगर कहीं तीसरा नेत्र खुल गया क्रोधित तो हो गए तो हमें जलाकर भस्म कर देंगे, इसी डर के कारण मैया आज तक ये प्रश्न नहीं पूछ पाए, और भगवान आपसे कुछ छुपाते नहीं है तो आपने
इस प्रश्न का उत्तर भी अवश्य जान ही लिया होगा। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका उत्तर मुझे दे दीजिए। मैया कहती ठीक है पूछिए। बाबा नारद कहते हैं कि मैया क्या आपको पता है कि बाबा नारद के गले में जो मुंडों की माला है उस माला में मुंड किसके हैं? और जैसे ही इतनी बात सुनी, अब मैया को पता ही नहीं है कि किसके मुंड हैं। मैया ऊपर देखे, नीचे देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, लेकिन मैया को नहीं पता। अब मैया कुछ कह भी नहीं रही, क्योंकि कुछ कहे कैसे, और सही बात भी नहीं कह सकती कि मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो इतनी भलाई कर रही थी। तब मैया नजरें नीचे को झुका लेती है, और उसके बाद में नारद जी विचार करते हैं कि मैं जिस कार्य के लिए आया था वो हो गया, इतनी ही दरार काफी है। और नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, आजकल संसार में कोई किसी को निस्वार्थ प्रेम करता ही नहीं है। फिर से एक बार कह दिया, सुर नर मुनि सब की हरीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। इतना कह करके बाबा नारद तो अपनी बीड़ा बजाते बजाते निकलने लगे। बाबा नारद बीड़ा बजाते बजाते निकल गए, और जब जा रहे थे तो भगवान शिव से मुलाकात होती है, और जब भगवान शिव मिलते हैं तो भगवान शिव से जाते जाते नारद जी कहकर गए कि जाइए जाइए, आपको भगवान मैया याद करती है। और जब भगवान से कहा कि आपको मैया याद करती है, अब भगवान भोलेनाथ विचार करें, नारद जी आए और मैया याद ना करें, ऐसा कभी हो सकता है क्या? क्योंकि नारद जी आए हैं तो जरूर कोई ना कोई आग लगा कर गए होंगे, इसलिए मैया याद कर रही है। और देखिए तब तो एक नारद जी थे, लेकिन आज तो घर घर में नारद है, कुछ पूछो ही मत, कौन कब कहां आग लगा कर चला जाए कोई पता नहीं है। और अगर कहीं आग लग भी रही हो तो उसे बुझाने की कोशिश नहीं करेंगे, उसमें आकर के घी और डाल देंगे। और देखिए मत आओ, मैं आपको एक बात बता दूं कि झगड़े सबके घर में हुआ करते हैं, सबके घर में अनमन हुआ करती है, क्योंकि हमारी एक कहावत है कि जब घर में कई बर्तन होते हैं तो कभी ना कभी तो वो आपस में खटकते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से अगर घर में कई सदस्य हैं तो कभी कभी किसी से अनमन हो भी जाता है, लेकिन आपके घर में अगर ऐसा हो जाए तो कभी तीसरे व्यक्ति को मौका मत देना कि वो आपके घर में आकर उस आग में जो आप लोगों के बीच में जल रही है उसमें आकर घी डाल दे, क्योंकि आजकल आग बुझाने वाले कम और आग लगाने वाले ज्यादा है। इसलिए प्रयास करना है कि अपने झगड़ों में, अपने घर में, अपने परिवार में किसी बाहर वाले को ना घुसने दे। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सदैव स्वर्ग की तरह रहे, तो घर का एक रूल होना चाहिए कि घर में जो बड़ा व्यक्ति है उसकी चले, लेकिन वो बड़ा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि वो सबकी राय लेकर काम करे, जो उससे छोटे हैं उन सबको पूछ कर काम करे, उस घर में कभी झगड़े नहीं होते। यहाँ पर भगवान शिव आते हैं। अब रोज तो मैया भगवान की आरती करती थी, लेकिन आज तो दरवाजे पर लेने भी नहीं आई। अब लेने नहीं आई तो अब भगवान विचार करते हैं क्या बात होगी। भगवान अंदर आते हैं, आकर देखते हैं मैया अपना कुछ काम कर रही है, भगवान से बोल नहीं रही। अब भगवान ही बात करने की कोशिश करते हैं तो भगवान कहते हैं, देवी बोले हाँ, अरे आपको पता है क्या कि गणेश और कार्तिक कहाँ गए हैं? मैया कहती है, वो आपके भी तो पुत्र हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ गए हैं। अरे सारे दिन उन्हें अपने पल्लू से बांध कर रखूं क्या? भगवान फिर से चुप हो जाते, भगवान का आज तो ज्यादा ही क्रोधित हैं। मैया फिर से चुप हो जाती है, भगवान फिर से बात करने की कोशिश करते हैं।
फिर से बात करने की जब कोशिश की तो भगवान कहते हैं कि देवी आज भांग नहीं घोटी और मानो आग जल रही थी, ये भांग वाली बात उस आग में घी डालने का काम कर गई। क्योंकि भांग से तो मैया को पहले ही बहुत समस्या है। मैया कहती है मुझे इसी दिन के लिए ब्याह कर लाए थे क्या? अरे जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ उस दिन से तुम्हारी भांग ही घोटती रहती हूँ। अरे मेरे नाजुक हाथ, मैं अपने पिता के यहाँ पर थी ना तो ये काम नहीं करती थी। और माता अक्सर बोल दिया करती है ना अपने ससुराल में, जब मैं अपने पिताजी के यहाँ पर थी तो कुछ ना काम नहीं करती थी, यहाँ जिस दिन से आई हूँ कितने काम करती हूँ। मैया पार्वती कहती है कि मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं आपकी भांग को घोट घोट कर। अरे आपके लिए भांग घोटू, आपके एक पुत्र के लिए खीर बनाऊ, आपके एक पुत्र के लिए लड्डू बनाऊ, अरे क्या इन्हीं सब कार्यों के लिए ब्याह कर लाए थे? मैया क्रोधित है, तब प्रभु प्रेम से पूछते हैं देवी क्या बात है, क्या हुआ है, बताओ तो सही। मैया कहती है आप आज तक हमारे सामने नाटक करते आए थे, हम उसे सच मानते थे, लेकिन आज आपका ये नाटक हमारे सामने आ गया है। अब हमें आभास हो गया है कि आप हमसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। ऐसा कहा मैया, जब ऐसे बात कहती है तो भगवान कहते हैं हुआ क्या है? तो मैया बताती है कि आप हमसे बातें छुपाते हैं। भगवान कहते क्या छुपा लिया? मैया कहती है कि आपने हमें कभी ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में जो ये मुंडों की माला है, इस माला में मुंड किसके हैं? भगवान कहे देवी बस इतनी सी बात के लिए इतना नाराज? बोले हाँ। भगवान कहते हैं इस माला में आपके ही मुंड हैं, आप इतनी बार मर चुकी हैं, आपकी याद हमें बनी रहे, इसलिए हर बार आपके मुंड अपने तन पर धारण करते रहे हैं। और आप कहती हो हम आपको प्रेम ही नहीं करते। मैया कहे हम तो कपटी समझ रहे थे, आप तो महाकपटी निकले। बोले अब क्या हुआ देवी? मैया कहे अरे आपने ऐसी कौन से डॉक्टर से जाकर दवा ले ली कि आप एक भी बार नहीं मरे, हम इतने बार मर गए। भगवान कहते हमने किसी डॉक्टर से दवा नहीं ली है, अरे अगर डॉक्टर से दवा ली होती तो आपको भी दिला देते। हमने डॉक्टर से दवा नहीं ली है, कोई हमने जड़ी बूटियां नहीं खाई है, अरे हमने तो अमर कथा का पान किया है। और जिस कथा के नाम में ही अमर शब्द आता है वो कथा अमर करने वाली है, अमर कथा सुनने से अमर हो जाते हैं। तो मैया हट करने लगती है कि मुझे अमर कथा सुना दो। तो भगवान मैया को अमर कथा सुनाने के लिए कैलाश पर्वत पर सभी जीव जंतु पशु पंक्षी जो भी थे वहां से भगवान ताली बजाते हैं, सभी वहां से चले जाते हैं। एक पक्षिणी का अंडा पड़ा रह जाता है, उस अंडे में एक सुख का प्रादुर्भाव होता है। इधर भगवान मैया को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। भगवान आंख बंद करके कथा सुनाते हैं, इसलिए कह दिया कि जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक हुंकरा देती रहना। और देखिए जब हम कथा सुनते हैं ना तो हमें कथा में नींद बड़ी मीठी आती है, क्योंकि जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो उसकी पत्नी आती है और कहती है भगवान राम से कि अब मैं तुम्हारे धर्म के कार्यों में विघ्न डालूंगी, तुम्हारे भक्तों के पास जाऊंगी, उन्हें तुम्हारा भजन नहीं करने दूंगी, उन्हें तुम्हारी कथा नहीं सुनने दूंगी। भगवान कहते चिंता मत करो, मेरे भक्त पहले से हथियार लेकर बैठे, अगर जाओगी तो बहुत घाटे में रहोगी। बोले कौन से हथियार? भगवान कहते कोई मेरा भक्त ताली बजाता है, कोई मेरा भक्त गुणगान करता है, और जब गुणगान करोगे बोलोगे या ताली बजाओगे तो क्या नींद आपके पास आएगी? इसलिए मेरे भक्तों के पास बहुत हथियार है। और यहाँ पर भगवान कथा सुना रहे हैं और उसी पक्षिणी का जो अंडा पड़ा रह जाता है उसमें से एक सुक यानी तोते का प्राकट्य होता है। वो तोता भगवान के पीछे बैठकर कथा श्रवण कर रहा है।
और भगवान के पीछे बैठकर कथा श्रवण कर रहा है। इधर मैया गौरा सो जाती है और तोता हुंकरा देकर कथा सुनना आरंभ करता है। और देखिए जब तोता हुंकरा देता है तो कितना सुंदर लगता है। आपने तोते को बोलते हुए सुना होगा ना, कितना मीठा बोलता है। तो जब भगवान कथा सुना रहे हैं, तोता हुंकरा देकर कथा सुन रहा है, कैसा भाव है आइए मीठी मीठी तालियों के साथ। कि महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मां, अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरा। और जब भगवान मैया को कथा सुनाते हैं तो क्या होता है, उमा की तो पड़ गए सोता फूकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए सोता फूकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए सोता फूकरा दे रहा तोता। कि महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार, महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरा, उमा को तो पड़ गए तोता फूकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए तोता फूकरा दे रहा तोता। तोता फूकरा दे रहा
प्रसाद। मैया नींद से जागती है, प्रभु से कहती है, प्रभु हमने तो केवल आधी कथा सुनी है, आपने तो कथा को विराम भी दे दिया, ऐसे कैसे? अभी तो आधी कथा सुननी बाकी है। भगवान कहते हैं, देवी मैंने तो पूरी कथा सुना दी। मैया कहती है, प्रभु क्षमा करना, हमारी आंख लग गई, हमें नींद आ गई। और जब ऐसा कहा तो भगवान कहते, बुबार ठीक है कि आप सो गई, हम आपको दोबारा कथा सुना देंगे, लेकिन जब आप सो गई तो फिर ये कथा किसने सुनी है? हो कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? अब जब भगवान कहते हैं जिसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिसने ये हुकरा देकर कथा सुनी है, भगवान आगे देखते हैं तो केवल मैया है। दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, लेकिन जैसे ही भगवान ने पीछे मुड़कर देखा, नन्ना सा सुख बैठा करके हुकरा दे रहा है। और जैसे ही उस नन्ने से सुख को देखते हैं, भगवान कहते हैं, मुझे इस बात से आपत्ति नहीं किसने कथा श्रवण की, लेकिन मुझे आपत्ति इस बात से है किसने कथा तो श्रवण की लेकिन कथा के नियमों का उल्लंघन करके। कथा कभी पीछे बैठकर नहीं सुननी चाहिए, और इसने कथा पीछे बैठकर सुनी है तो इसलिए मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे शिव भंडार उमा के पड़ गए तोता, मुकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए तोता, मुकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए तोता, मुकरा दे रहा तोता। भगवान और उस सुख बड़ा डरा हुआ है, तो जब कैलाश पर्वत से नीचे उतर कर आते हैं तो वहां पर वेद व्यास जी रहते हैं। ये वेद व्यास जी कौन है? जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत कथा की रचना की, ये वही वेद व्यास जी है। तो वेद व्यास जी संप्रयास में रहते हैं, जो कैलाश पर्वत के नीचे उतरते ही पड़ता है, और इनकी पत्नी है विटिका देवी। अब कैलाश पर्वत के नीचे तो रहते हैं, लेकिन आज तक भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। और विटिका देवी जो इनकी धर्म पत्नी है, वो इनसे कहती है, प्रभु बुढ़ापा तो आ गया, अब तक कोई पुत्र नहीं है। तो ये कहते हैं कि अगर प्रभु की इच्छा होगी तो पुत्र जरूर होगा, और अगर इच्छा नहीं होगी तो पुत्र नहीं होगा। इतना कहते कहते उन्हें उबासी आती है, और ये तोता दौड़ करके उनके घर आता है। अरे उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, और गर्भ में जब निवास करने लगते हैं, हर
नर बालक अपनी माँ के गर्भ में कितने दिन रहता है मैयाओ? 9 महीने, 9 माह तक रहता है ना, ज्यादा हो सकता है 10 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, लेकिन ये ऐसे विचित्र बालक कि ये 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 4 वर्ष नहीं, 6 वर्ष नहीं, ये अपनी माँ के गर्भ में पूरे 12 वर्षों तक निवास करते हैं। और कहा जाता है कि जीव को सबसे ज्यादा कष्ट माँ के गर्भ में होता है, लेकिन इन्होंने माँ के गर्भ को ही मंदिर बना दिया। और जब माँ के गर्भ को ही मंदिर बना दिया, 12 वर्ष बाद इनका प्राकट्य होता है। और जब प्राकट्य हुआ, नाम पड़ा सुखदेव है इनका, भजन है जो सबको आता है, सबने सुना होगा। तो भैया थोड़ा सा गा लीजिए, उमा के पड़ गए सोता। भोजन करके आए हो सभी लोग? और देखिए, ऐसा नहीं आप लोगों को नहीं बोल रही, सबको बोल रही, सबको गाना है। उमा के पड़ गए सोता, उमा के, अभी केवल हमारी माताएं बोल रही हैं, पीछे वाले हमारे भैया, हमारे दादाजी कोई नहीं बोल रहे, आप सबको भी बोलना है। उमा के पड़ गए सोता, उमा के पड़ गए, आनंद से तालियां बजा के, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए सोता। पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी का प्राकट्य होता है। श्री सुखदेव जी का प्राकट्य होता है, उसके पश्चात अब ये सुखदेव जी प्रकट होते ही वन के लिए जाते हैं। इनके पिता वेदव्यास जी महाराज ने वापस लाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब जंगल में जाते हैं तो एक दृश्य देखते हैं कि जितने भी वृक्ष हैं, वृक्ष की जितनी भी डालियां हैं, डालियों में जितनी भी पत्तियां हैं, उन सब में इन्हें सुखदेव जी का प्रतिबिंब दिखाई देता है। समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वहां से वापस लौट आते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, और जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो वेद व्यास जी अब बड़े चिंतित रहने लगते हैं। और जब बड़े चिंतित रहने लगते हैं तो अब एक बार इनसे मिलने नारद जी आते हैं। नारद जी पूछते हैं, आप इतने चिंतित क्यों हैं? और वैसा कहा तो वेद व्यास जी ने बताया कि मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इतनी सारी रचनाएं कर दी, इन सबकी रचनाएं मैंने की, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्योंकि व्यक्ति का जीवन हंसने खेलने नाचने गाने बस इसी में निकल रहा है, उसे पता ही नहीं है कि मैं क्यों आया हूं, मेरा जीवन क्या है। नारद जी कहते हैं कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके लिखे हुए वेद शास्त्रों से लोगों को शांति मिले, लोग जागरूक हों, तो पहले आपको शांति मिलना बहुत जरूरी है। और याद रखना, अगर आप अपने जीवन में कोई काम कर रहे हैं, अगर आप खुद उस काम से संतुष्ट नहीं हैं, तो सामने वाला व्यक्ति कभी भी उससे संतुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि जब जो कार्य हमें ही अच्छा नहीं लग रहा और हम उस कार्य को कर रहे हैं, तो वो दूसरे को कैसे अच्छा लग सकता है? तो कार्य वही कीजिए जो पहले आपको अच्छा लगे। जब पहले आपको अच्छा लगेगा तो वो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा।
यहाँ पर वेद व्यास जी का ही मन शांत नहीं है इतनी रचना करने के बाद। नारद जी कहते हैं कि आपने रचनाएं तो की हैं, लेकिन उन वेदों की शास्त्रों की भाषा इतनी कठिन है कि उन्हें कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, और पढ़ने के बाद भी अगर कोई पढ़ता भी है, कोशिश करता भी है, तो उसके अर्थ का अनर्थ कर देता है। तो इसलिए आप सरल भाषा में भगवान की चर्चाओं को लिखिए, और जब भगवान की चर्चाओं को आप लिखेंगे, भगवान के भक्तों के चरित्र को आप लिखेंगे, तो लोग उससे जागरूक होंगे। तो इसलिए मैं आपको चतुर्थ श्लोक की श्रीमद् भागवत कथा सुनाता हूं, जो ब्रह्मा जी ने बाबा नारद को सुनाई, नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज को सुनाई, और उन चतुर्थ श्लोकों के, उन चार श्लोकों से वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की रचना की। उसके पश्चात वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण किया, और उसी श्रीमद् भागवत कथा को वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को श्रवण कराया, और उन्हीं श्री सुखदेव जी ने इसी भागवत को परीक्षित जी को श्रवण कराया, और इसी भागवत से परीक्षित जी को मात्र 7 दिनों में मुक्ति प्रदान हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। तो अब आगे आप हम सभी महाभारत का प्रसंग श्रवण करेंगे, उससे पहले जो माताएं नृत्य करना चाहती है वो नृत्य कर लें, और जो बैठे रहेंगे वो अपने स्थान पर भाव से तालियां बजाएंगे। जो भी माता नृत्य करना चाहती हो वो शर्म ना करें, अपने स्थान से उठकर नृत्य कर सकते हैं। कि यमुना किनारे मेरो गाँव हो, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आई गई, कमेटी वाले भैया जितने भी हैं उनमें से अगर किसी को नृत्य करना है अपने स्थान से खड़े होकर के नृत्य कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बैठे रहोगे तो ऊपर को दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ लंबे लंबे ऊपर को, यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आई गईयो, यमुना किनारे मेरो
कोपल नाम गवाऊं, फूलन कोपल नाम गवाऊं, फूलन कोपल नाम गवाऊं, चुन चुन कलिया सेज सजाऊं, चुन चुन कलिया सेज सजाऊं, चुन चुन सकते। अब आप विचार कीजिए, जब एक छोटा बालक उसको अपनी माँ की गोद में जाना होता है, माँ को अपने पास बुलाना होता है, तो वो क्या करता है? दोनों हाथ सामने फैला के उसे इशारा करता है, मेरे पास आओ या मुझे गोद में ले लो, करता है या नहीं? अब जब हमें भगवान को बुलाना है तो हमें भी इशारा करना पड़ेगा कि प्रभु हमारे पास आ जाइए। तो दोनों हाथ खोल करके प्रभु को बुलाना है, आई जइयो प्यारे, आई जइयो, आई जइयो प्यारे, आई जइयो, आई जइयो प्यारे, आई जइयो, आई जइयो प्यारे, आई जइयो। ताली से ना बजे, भाव से सभी कहेंगे, यमुना किनारे मेरो गाम, यमुना किनारे मेरो गाम सावरे, आई जइयो, यमुना किनारे मेरो जय जय जय।